Tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders, and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as bidi, cigarettes, kheni, zarda, etc., or their promotion in any manner. तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं, महीने में करीब 1000। 80-90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है, मैंने सिर्फ 1 साल भूखा चबाया, अब मुझे कैंसर हुआ है, मेरा ऑपरेशन वाला है, शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा है। एक बार हमारे हाथ लग जाए, कुत्ते की मौत मारेंगे साले को। गांड में गुने हगने चले पहाड़ पे। ये क्या है, फॉरेंसिक? दिन ढल जाएगा ना तो शाम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, फिर वो गायब। क्या चंदे, ढूंढना जाके उसे? यस सर। कुछ लोग उधर जाओ। पता नहीं कहां गायब हो गया साला, रात भर से उसे ढूंढ रहे हैं। रात भर से हमने जंगल को घेर रखा है, मोबाइल की ट्रेस के हिसाब से यही लोकेशन है, यहीं कहीं होना चाहिए। चारों तरफ फैल जाओ तुम लोग, किसी भी कीमत में भागना नहीं चाहिए। Come on, move! Thank you.
पता नहीं साला कनपुरिया भी कहां मर गया, फोगाट भी, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, साला सीनियर है तो बाप हो गया क्या बे? कहाँ चला गया? हम उसे ढूंढ निकालेंगे सर। अरे कब ढूंढ के निकालेगा, जब मेरे सारे स्टार निकल जाएंगे। माता रानी की कसम, ऐसी पुलिस की फौज आज तक जिंदगी बिना देखी है। अब इधर खड़े खड़े क्या देख रहे हो? ढांचे देख रहे हो मेरा? भागो यहाँ से, ढूंढो सालो। बच नहीं सकता सर। ए सताले, यस सर। तू सुन, तेरी तो मुंह सुखाड़ गया ना, तेरे माथे पे चिपका दूंगा मैं, समझा? अगर नहीं मिला तो चल चिंदा चल। यस सर, ढूंढो। कहते हैं मंजिल अगर धुंधली भी नजर आए तो लड़खड़ाते हुए कदम एक बार साथ देते हैं, लेकिन जब पता ही ना हो कि जाना किधर है तो कदम खुद बखुद साथ छोड़ देते हैं। मेरे सामने ना तो मंजिल थी और ना ही रास्ते का पता था, मेरे पास था तो सिर्फ एक मकसद। अबे तूने परवेज से दुश्मनी करके अच्छा नहीं किया, बता रहा हूं मैं। तू जानता है ना तबरेज खान का भाई है वो? अबे पूरे चमनगंज में भोकाल है उनका। अबे उसका भोकाल है तो काम उससे पतला मुद्दे? हम तो भैया सौ की सीधी बात जानते हैं, हमसे रंगबाजी करोगे तो चैला चलेगा, फिर चाहे कौनो खली पाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। अबे कानपुर का रंगबाज कौन? निखिल भैया। ये ले सुन ले चूतिया, काम अगर में डर रहा है। अबे अबे अब आ गए मैं महाराज, अब झेलो। शांति। तो तुम ही हो निखिल? हाँ हाँ मैं निखिल। का है, पहचानते हो हमका? कौन हो भाई, हम तो तुमको पहचाने नहीं। अबे लो, पूरा कानपुर हमारे नाम से चलता है और तुम जानते नहीं हमका? हाँ कानपुर सिटी के प्रेसिडेंट हैं हम, जाने हो? तबरेज खान नाम है मेरा, यहां से उन्नाव तक और उन्नाव से लखनऊ तक कोई की मजाल नहीं कि हमारे छोटे भाई परवेज को कोई छू देवे, और तुम जाने सुने बिना वो गहंदी हो। आप एक बात बताओ खान साहब, कब आओ मारे गए हो? हैं भाईजान से जुबान चलाएगा तो यहीं काटा लूंगा साले। अबे क्या कह रहे हो तुम? कहीं नहीं रहे, पूछ रहे कब मारे गए हो, बुराए गए होगा तुम। हाँ तबाही इतना भौकाल पहले घूम रहे हो, अगर एक बार कोनो हचक के पेल दिया होता ना तो ये जो बौखिया घूम रहे हो ना सब भूल जाते। बहुत दबंगई बढ़ गई है साले। हाँ आ तो भाई है। Huh?
खान साहब, ये अट्टा कट्टा हम स्कूल में चलाया करते थे, कहा तुम इसे निकाल लिए, अब तो हम जूते से काम चलाते हैं। सर, आप हमारे सीनियर हैं, इसलिए हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और खास बात यह है कि तबरेज खान कानपुर सिटी का गुंडा है, कई नेताओं से उसके डायरेक्ट कनेक्शन है, हमें कई फोन भी आते हैं। सर, आप डीएसपी महोदय से मिलके ये मामला ठंडा करवा दीजिए। हाँ ब्रजेश, वैसे भी मैं इस लड़के से परेशान हूं। बचपन में इसकी मां गुजर गई थी, मैंने अकेले ही पाला है उसे, हो सकता है मेरी परवरिश में ही कुछ कमी रह गई हो। खैर, मैं डीएसपी से बात करूंगा। थैंक यू। सर, आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? अगर ऊपर से दबाव नहीं होता तो मैं ये मामला कब का ठंडा कर देता। थैंक यू सर। पांडे जी नमस्कार, वारंट लाए हो क्या? रिटायर्ड एसपी के बेटे हो, अरे कितना मान सम्मान है समाज में तुम्हारे डैड का, एमबीए किया है, पढ़े लिखे हो, ये गुंडे लोगों के साथ मारपीटी करना क्या शोभा देता है? अरे कितनी इज्जत पाई है समाज में तुम्हारे पिता ने, उसको तुम कलंकित कर रहे हो। पांडे जी एक बात बताएं, गलत जगह गलत काम कर रहे हो। ये जो उपदेश देते हो ना, किसी भी धार्मिक चैनल में साधु की नौकरी मिल जाएगी, ट्राई करके देख लो। बेटे, मैं पुलिस स्टेशन में सर्विस करूं या किसी चैनल में, लेकिन तुम्हें अपनी हरकतों को ठीक करना पड़ेगा, समझे? ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हारी न्यूज लोगों को चैनल पर देखने को मिले, समझे बेटा? तुम अपनी गुंडागर्दी कब छोड़ोगे? आप अपनी शराब कब छोड़ोगे? शराब मैं शौक से नहीं पीता हूं, पता है मुझे। शराब आप अपनी गिल्ट छुपाने के लिए पीते हैं, आई नो दिस, और इसी शराब की वजह से आपकी जॉब चली गई। मैंने जॉब रिजाइन की थी। किया नहीं, करवाया गया था, और अगर आप रिजाइन नहीं करते तो आपको डिसमिस कर दिया जाता। मेरी मां ने आपकी वजह से सुसाइड किया। यू किल्ड माय मॉम। यू हेट मी? नो, आई डोंट हेट यू। मैं चाहता हूं कि आपसे नफरत करूं, लेकिन नहीं। आई ट्राइड एंड आई फेल्ड। मैं ना चाहते हुए भी आपसे प्यार करता हूं। शायद इसकी वजह मेरी मां की आपसे बेपनाह मोहब्बत थी, और वो सारा प्यार उन्होंने अपने दूध में मुझे पिला दिया। अबे यार, तू एक बात बता यार, तू अपने बाप के शराब पीने से तो इतना चिढ़ता है तो खुद क्यों पीता है बे? मैं पीता हूँ क्योंकि मैं रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर रघुवीर डाबर का बेटा हूँ, इसलिए पीता हूँ। अब इस टाइम पे कौन आ गया बे? मोबाइल कहाँ है? कनिष्का को क्या होगा? हेलो कनिष्का, मैं तुम्हारे जॉब के बारे में सोचूंगा यार, अभी ना मैं बिजी हूँ, फर्क हो रखो फोन। ओके बाबा, आगे से नहीं पीऊंगा, बस ये लड़कियां भी ना यार। पता है बे, ये जो सिगरेट होती है ना,
दिल की तरह होती, दिल की तरह। एक बार मोहब्बत की छिंगारी लग गई तो सारा आखिरी सांस तक दुआ उठता रहता है। अरे मोहब्बत से एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ। बोल भाई। अपने कनिष्का जो है ना, हाँ तो तुझसे बहुत प्यार करती है वे, तो नौकरी मिलते ही सबसे पहले उसे शादी कर ले। मैं कनिष्का के बारे में ऐसा सोच ही नहीं सकता, ये शादी ना एक दिन में नहीं चलने वाली। यार तू भी पता है सुहागरात में जवाब हो जाएगा। अबे तू मेरा पागल हो यार, चढ़ गया मैं, चढ़ गई बहुत चढ़ गई। अबे नहीं यार, पागल मैं नहीं, पागल तो वो है बे, वो भी तेरे प्यार में। अबे इधर देख, सोच तेरे बचपन की दोस्त तुझे गोवा बुला रही है बे, क्यों? अगर मैं गोवा चला गया, चला तू तो अकेला हो जाएगा। अब मैं अकेला पड़ जाऊंगा? अबे घंटा अकेला पड़ जाऊंगा बे। अब तू वहां गोवा जाएगा तो सबसे पहले मुझे वहां बुला लेगा। अरे बच्चा, अबे मैंने सुना गोवा में एक से एक आइटम होती, एक से एक। अच्छा अच्छा, अबे चूती है। अबे तुझे तेरवी खाने का इतना ही शौक है तो साला मेरी भैया क्यों नहीं खिलाता? What a sexy car. Yeah, for you. I wanna drive. Give me you a wanna key. Drive? Yeah, of course. Hey, you. मरेगी क्या? कान में गाना लगा के रोड पे डांस कर रही है? Oh yeah yeah. Oh तेरी इंपोर्टेड छप्पन छुरी है यार। तुम भी तो अठावन छुरे हो, वो भी एक्सपोर्ट क्वालिटी के। अरे अरे ये तो हिंदी में बात कर रही है यार। और गाली कोंकणी में देते है तो जो आइटम चा। ये मेरा आइटम नहीं है। हाँ कनिष्का, तुम इसे जानती हो? मैं तुम्हें भी जानती हूँ मिस्टर निखिल ढाबा। ये रशिया की रहने वाली है, यहाँ पे गोवा पे रिसर्च करने के लिए आई है। और गोवा में कनिष्का की बेस्ट फ्रेंड हूँ। यस। अच्छा हुआ बच गए, नहीं तो तुम्हें यही मार डालती रशियन में गाली दे देगी। Nice to meet you, Jennifer. Call me Jenny. Jenny. See ya, take care. Bye, baby. Have a good stay in Goa. Bye. Bye. वाह यार, तुम्हारी दोस्त तो बहुत अच्छी है। आखिर दोस्त किसकी है? Interesting boy, cool buddy. Welcome. Finally we have reached. Wow, nice house. Thank you. छोटा है पर प्यारा है। और कौन कौन रहता है यहाँ? मैं और मेरे मॉम डैड। मॉम डैड? आज भी मैं अपने पेरेंट्स से ऐसी ही बातें करती हूँ जैसे वो सच में मेरे साथ हैं। हम लोग अक्सर आपस में बहुत बातें करते हैं जब भी मैं खाली होती हूँ ना, सारी दिल की बातें करती हूँ। यही तो है मेरी जिंदगी, दिल में रहते हैं ये मेरे। I'm sorry, कनिष्का। मैं समझा। You don't need to be sorry. Anyways, तुम अपनी सुनाओ। अरे, it's okay, chill. Yeah. What will you have? Yeah. Water. पानी पिलाओ यार। गर्मी बहुत है यार आज। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो क्या हुआ? Hello. अरे मैच आ रहा है यार। अरे यार, it's very important match. Score क्या हुआ? जब देखो score, पहले ये बताओ मेरे लिए लाइक क्या हो?
वैसे मैं आ गया काफी नहीं है या अनमोल रतन कम ऑन टेल मी ना क्या लाए हो मेरे लिए वेल मैं तुम्हारे लिए ऐसी चीज लाया हूँ जो तुम्हें कोई नहीं दे सकता कोई नहीं दे सकता व्हाट टेल मी जस्ट ओपन इट व्हाट दिस वन या नीचे नीचे वाला ओके ओह नाइस वाह समथिंग स्पेशल फॉर मी या इट्स वेरी स्पेशल फॉर यू अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम यू बट एनीवेज आई एम हैप्पी कूल This is so cute. है ना बढ़िया? 5 साल से 13 साल के वो हसीन पल. So beautiful, yeah. इस scrapbook में कैद. लेकिन. Great. उसके बाद के पल मुझे पता नहीं. Oh my God. Oh, that's so cute. You know what? ये मेरी ज़िंदगी के सबसे best days थे. लेकिन इसके बाद जैसे मेरी दुनिया ही ठहर गई है अच्छा ये बताओ तुम्हें पूरा विश्वास था कि मैं तुम्हें मिलूंगी वेल थैंक्स टू फेसबुक हाँ अगर फेसबुक नहीं भी होता ना तो मैं तुम्हें कहीं ना कहीं से तो ढूंढ ही निकालता दैट्स प्रॉमिस सो क्यूट थैंक यू सो मच Great people, interesting place. लगा ही नहीं कि आज ऑफिस का पहला दिन है। बॉस थोड़ा सा खड़ूस है। Thank God you enjoyed your day. I'm happy. Yeah. Good. It was amazing. Yeah. I think you must tell your dad. पता चाहिए अपने पापा को। पता है? Mr. Dabur को जब सीपी ने बताया, तो उनको भरोसा ही नहीं हुआ। उनको लगा ही नहीं कि उनका नालायक बेटा कुछ कर भी सकता है। आई थिंक तुम्हें अपने पापा को अभी फोन करके बताना चाहिए मुझे लगता है अभी या नो वे यू नो दो बियर जा चुकी अंदर और उधर 4 खंबे भी अच्छा ऐसे में बताने का मतलब है गोवा को अफगानिस्तान बना लेना ओह वन सेकंड हेलो या या ओके हो जाएगा या क्या हुआ वो एक्चुअली मेरे एनजीओ के रिहैबिलिटेशन सेंटर में एक पेशेंट आया है विक्टर नाम का मेरे स्टाफ को उसके ऊपर शक है कि वो एक ड्रग पैडलर है अगर हम उसे एडमिट करते हैं तो पुलिस हमें परेशान करेगी आई मीन लेट्स सी क्या होने वाला है फॉरगेट इट एंजॉय द म्यूजिक यू हैव स्टनिंग फेस अच्छा तुम किसी को भी पागल कर सकती हो तुम्हें जब मैं देखता हूँ ना मेरे दिल की घंटियां बजने लगती हैं मंदिर की घंटी डोरबेल पड़ोसी की घंटी और उसके बगल वाले की भी घंटी ओह माय गॉड Just a minute, just a minute. I'm coming, coming. Okay. Frankie. Excuse me. Yeah? Can I have this? For what? This.
I want to say something. How are you, man? Yeah, what's I'm good. What's your name? My name is Jim. Please join me. Come, sir. Yeah, sure. Excuse me. I'm going to sing a song for my love, for my girlfriend. Please join me. Oh, ek ladki ko dekha to aisa laga jaise mandir ki ghanti jaise padosi ka banti jaise bubbly aur banti jaise. Thank you. Thank you. Now it's Indian classical song. Thank you. Thank you, Brandy Maya. Thank you. Next time. Thank you. Hey. Okay? Be careful. ये रहा तुम्हारा नींबू पानी. पियो. नो कॉफी. नो कॉफी इसे पियो. जितना नशा चढ़ा है ना सब उतर जाएगा. अरे यार कल रात में इतनी बियर पी गया कुछ याद नहीं. याद कैसे रहेगा तुमने जो हरकतें की है वहाँ पे. पता है तुम क्या कर रहे थे. मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया. गड़बड़ बहुत गड़बड़ कर रहे थे. वो क्या तुम क्या कुछ क्या गाने लग गए थे. क्या गाना शुरू कर दिया था तुमने. कुछ समथिंग समथिंग कुछ आई डोंट नो यार. सारे फॉरेनर्स तुम्हारी मजाक उड़ा रहे थे. कार्टून की तरह हरकतें कर रहे थे. दो बियर के बाद ना मुझे कुछ होश नहीं रहता. कुछ होश नहीं रहता. ओह माय गॉड. जाओ जाओ अगर जाना चाहते हो तो. नहीं नहीं जा सकते हो. वैसे तुम्हारी आंखें तो वही है ना. तो वैसे लड़की है बहुत सेक्सी. ओ तो यहाँ क्यों खड़े हो. जाओ ना वहाँ पे. तुम सारे लड़के ना एक जैसे ही होते. सबका दिमाग एक ही तरह चलता है. हम लड़के पागल नहीं है. सब कुछ जानती है. ओए होए अब जाओ ना यहाँ क्यों खड़े हो. जाओ जाओ. तो तुम क्यों इतना जल रही हो. मैं क्यों इतना जल रही हूँ. जले मेरे दुश्मन. तुम्हें देखो तुम कितना फूल के कितना मुस्कुरा रहे हो. हाय जेनी. हाय बेबी. कम दिस साइड. ही वांट्स टू से समथिंग. बोलो. उसको क्यों बुला रही. उसको क्यों बुला रही. बोलो ना बात करो. सेक्सी गर्ल अब बोलो. टेल मी जेनी वांट्स टू स्पीक टू यू समथिंग. कुछ बोलना चाहते हैं. या बोलो बोलो. सेक्सी व्हाटएवर. बोलो बोलो. व्हाट्स हैपेंड. नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाला था यार. क्या. आई एम नॉट सेक्सी. नहीं बोलो? तुम हो लेकिन मेरा मतलब है मैं कुछ ऐसा कह नहीं रहा था. यू आर बट यू नो. अच्छा मैं ऐसे हूँ. अरे तू भी ना यार कनिष्का. तुम दोनों मिलके मेरी लेग पुलिंग कर रहे हो और कुछ. बाय बाय. तू भी ना यार एकदम यू नो सेक्सी हो. अरे तू स्मार्ट हो. तुम ही ना. तुम ही तो ना. तुम ही तो ना. ओए आजा आजा जल्दी आजा. मैं कैसा है सीपी. अरे आता हूँ यार. सिगरेट सिगरेट सिगरेट. कैसे भैया. नमस्कार भैया. अरे भाई भैया एक हमारे लिए भी. एक मेरे लिए भी. भाई अपना भी आकमा. अबे बोल लग गई फुर्सत तुझे. अच्छा डॉक्टर साहब कैसे. डॉक्टर आया था क्या. अरे यार डॉक्टर तो बोल रहे थे कि बहुत इम्प्रूवमेंट है. पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है. और ना आजकल वो शराब को हाथ भी नहीं लगाते. और सुन अंकल नाम आगे ये भी कह रहे थे कि भाई देखो बेटा तो अपने पैरों पे खड़ा हो गया. अब बहू आ जाए घर में. क्या ख्याल है. तो यार हम भाई लोग ये सोच रहे थे. चल सीपी बाय. अरे सुन तो कि कौन. अबे दिमाग की नहीं मत कर. फोन रख. अरे सुन तो. एक्सक्यूज मी. या मे आई हेल्प यू. तुम वही हो ना. हाँ हूँ तो वही. लेकिन अभी बात कुछ और है. मैं करूं. मैकेनिक हो. नहीं लेकिन ऐसे मौकों पर कभी कभी काम आ जाता हूं. इंपोर्टेड कार है. तुम्हारे बस की बात नहीं है. वैसे आपकी इस
इंपोर्टेड कार के कार्बोरेटर में ना देसी कचरा फंस गया है। आपको तो निकाल दूं। मैंने मैकेनिक बुला लिया। ओ, चांद की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने कार को बीच रोड पे छोड़ दिया। What was that? नहीं, वो कभी कभी हेडेक होता है ना, तो फिर ऐसे कुछ बोल लेता हूँ। I think मैडम कार्बोरेटर में कचरा अटक गया है, मैं दो मिनट में साफ कर देता हूँ। क्या राजेश फोगाट? चल आइए देख लीजिए। आ जाओ। ड्यूटी तो ड्यूटी होती है ना। हाँ पता है, देख लो साहब। चल दे भाई। कुछ नहीं है साहब। देख कुछ नहीं है, देख लो बिंदास। साहब इसमें ड्रग्स है। ये डिगामा साहब का माल है साहब, सारे पुलिस वालों को पता है साहब। जो है साहब आपको भी ऊपर से मिल जाएगा साहब। जाने तो साहब जाऊं। तुझे ऊपर तो भिजवाना ही पड़ेगा ना। दिमाग मेरा नहीं, तुम्हारा खराब हो गया है। इतनी खूबसूरत जिंदगी और तुम जान देने जा रही हो। यू नो इट्स क्राइम। अरे सुसाइड क्यों कर रही हो यार? अगर मारना है तो उसको मारो ना जिसने तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट की है। जस्ट किल हिम। लिसन, जस्ट शट अप। ओके, जस्ट शट अप। बेशक तुम मुझे डांट सकती हो पर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। यू आर बोनाफाइड ऑथेंटिक जेन्युइन इडियट। ओके, तुम यहां जान देने जा रही हो। यू आर सुपर इंटेलिजेंट और मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। आई एम इडियट। एक मिनट, तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ जान देने आई? तो तुम यहाँ जान देने नहीं आई हो? मेरा मतलब है इतने सवेरे यहाँ, वो भी अकेली। तो तुम भी तो इतने सवेरे अकेले इस हिलटॉप पर। नहीं, मेरा मतलब था कि मैं तुम्हारा मतलब सब जानती हूँ। तुम लड़के हो, कभी भी कहीं भी जा सकते हो, राइट? आधी रात को अकेले, अर्ली मॉर्निंग, एवरीथिंग, ऑल अलाउड, ऑल अलोन। बट आई एम अ गर्ल, सो इट्स नॉट अलाउड। यू ऑल आर मेल शोविनिस्टिक पिग। ओ मैडम, गोरे रंग पे इतना गुमान न कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा। कूदना है तो कूद जा, अगली बार कोई बचाने भी नहीं आएगा। You are very irritating. Anything else? Yes. And interesting too.
जगह जीने की है तू वजह सोचूं हमेशा तुझको ही खुद में तुझे ढूंढता होकर मेरे दिल तलक जाए तेरे सब रास्ते शामिल मुझी में पूरी तरह तू है मेरे वास्ते सुन ले मेरी आरज़ू दिल में बसी सिर्फ तू महसूस होता है मुझे तू है तभी मैं भी हूँ ऐसी दुनिया सहूँ भी तो किस तरह देती है राह दे तू ही दिखे हर जगह जीने की है तू वजह सोचूं हमेशा तुझको ही खुद में तुझे ढूंढता ऐसी दुनिया सहूं भी तो किस तरह खलिश उतर दिया सहूं ऐसी निखिल सर जर्मन डेलीगेशन का प्रेजेंटेशन इट्स रेडी आई कांट बिलीव दिस जर्मन डेलीगेशन का प्रेजेंटेशन इतनी जल्दी तुमने तैयार कर दिया हिंदुस्तान में इतना काबिल लोग बचा है अभी आई कांट बिलीव दिस यंग मैन जस्ट मोमेंट यस यू रिप्लाई ऑफिस में नहीं होगा तो और कहां होगा व्हाट अ सिली क्वेश्चन इट्स ओके ओके नहीं ठीक है मुझे भूख लगेगी मैं खाना मंगा लूंगा ओके As simple as that. Bye bye for now. I'll call you later. Okay, sweetie pie. Thank you. I love you. Oh my God. आपकी शादी हो गई है और are you happy? Sir, I'm still happy. My God. You know what? ये wife लोग शादी से पहले इनको सलमान खान चाहिए.
और शादी के बाद इनको रामू काका चाहिए, रामू काका। इट्स अ नाइस जोक। असो असो, इट्स समटाइम्स अ गुड जोकर, राइट? और कुछ कहना बाकी है? नहीं सर। तो यू मे गो। थैंक यू। फैंटास्टिक। थैंक यू सर। थैंक यू। लॉन्ग लिव डैनी डिगामा। एश, कम ऑन। साला ठरकी। नाउ दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। This boy is Nikhil Davar. कुछ ही दिन हुए आया है। आप लोग कितने सालों से काम कर रहे हैं? This is called job done. He's taking care of the finer details. I don't have to check it. And the German delegation has already approved this presentation. The best part is this. और कितने साल हो गए आप लोगों को? It's okay, no problem, no problem. I like this job. My job's done. And this called for a party! सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। ओ तेरी, तुम सही वाले तो हेट सिगरेट। वेल आई डोंट स्मोक। कितने लोगों की जिंदगी सिगरेट की तरह होती है, किसी और के मजे के लिए जलाई जाती है, हर कष्ट में खत्म होती जाती है, फिर पैरों तले रौन दी जाती है, बस पैकेट में लिखा रह जाता है स्मोकिंग किल्स। खैर छोड़ो, तुम बताओ आज कौन से पुराने गाने की माँ बहन करने वाले हो? यू नो, तुम जितनी एरोगेंट, स्नोबिश और घमंडी दिखती हो उतनी हो नहीं। अंदर से कैसे? केकड़े जैसी। बाहर से सख्त और अंदर से नरम। वैसे मैं नारियल का भी एग्जांपल दे सकता था, लेकिन वो पुराना हो गया। क्या पी रहा? स्कॉच। अगर तुम मुझे इतनी अच्छी तरह जानते हो तो ये भी जानते होगे कि मुझे एक ट्रेन चाहिए। इट्स फॉर यू। डू यू लाइक पटियाला? वेल आई लाइक पटना। मी टू, पटना। गुड। Let's go. ऐसे मत देखो मुझे, प्यार हो जाए। Really? पता है प्यार कब होता है? जब शनि की महादशा तुम पर शुरू हो चुकी है और शुक्र भी तुम्हारे खिलाफ हो। सूर्य, सूर्य तुम्हारे दुश्मन के घर में बैठा हो। राहु केतु तुम्हारी राशि पर टेढ़ी दृष्टि बना के रखे हो। हाँ, और भगवान भी मजा लेने के मूड में, तब होता है प्यार। Wow, I'm impressed. Really? मुझको खुद से जो तूने जुदा कर दिया, मुझको खुद से
सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ सर. तो यू टाका इधर बड़ा है
हाँ कनिष्का बोलो। अरे यार वो रात में ड्रिंक ज्यादा ले ली थी ना। आ रहा हूँ ना बाबा, चलो रखो बाय, मुझे ऑफिस जाना होगा। मुझे छोड़कर तुम ऑफिस जाना चाहते हो? जाना जरूरी है। हाँ अब जरूरत नहीं है ना मेरी। कम ऑन टेल मी, कितनी लड़कियों को यहाँ लेकर आए हो? एक भी नहीं। लायर, सच कह रहा हूं। तुम जैसे फ्लर्ट्स को तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। दो तीन लड़के से तो मन नहीं भरता तुम्हारा। एक ऑफिस गर्ल, एक पार्टी गर्ल, एक मॉम डैड से मिलाने का, और एक वन नाइट स्टैंड। कम ऑन टेल मी, मैं कौन सी हूँ? वन नाइट स्टैंड राइट? नो, शादी करना चाहता हूं मैं तुमसे। बिगेस्ट लाई ऑफ दिस अर्थ। बट इट्स नॉट योर फॉल्ट, ये लड़की की कमजोर नस है। उन्हें शादी के झूठे सपने दिखा और वो पिघल के तुम्हारी बाहों में आ जाएगी। मैं ऐसा नहीं हूं। रियली? तो बताओ मेरा नाम क्या है? इट वॉज अ फोर्थ मीटिंग। कल रात से मैं तुम्हारे साथ हूं, सब कुछ प्लान कर लिया, लेकिन ये जानना जरूरी नहीं समझा कि मेरा नाम क्या है। तुम बताओ मेरा नाम, तुमने भी तो नहीं पूछा। मिस्टर निखिल डाबर फ्रॉम कानपुर। मुझे तुम्हारा नाम पूछने की जरूरत नहीं। नेवर अंडर एस्टिमेट अ ब्यूटीफुल गर्ल, और उसे तो कभी नहीं जिसने तुम्हारे साथ रात गुजारी। मेरी आंखों में देखो, क्या तुमको इनमें मेरी सच्चाई नजर नहीं आती? प्यार के दो रूप होते हैं, या तो तुम मेरे रंग बिरंगे हो या फिर मैं तुम्हारे, और मैं तुम्हारे रंग बिरंगे चाहता हूं। नहीं, मजा पाने में नहीं, खोने में। अरे साहब, अरे साहब, मुझे पता नहीं कहां से लाता है तो ड्रग्स। मुझे पता नहीं साहब। हेलो, मुझे पता नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? पुलिस की वर्दी के पहले इसका मतलब कुछ भी करेंगे आप? देखिए मैडम, विक्टर जॉनसन ड्रग एडिक्ट है। जानती हूँ, इसीलिए इसके घर वाले मेरे पास आए थे इसको लेकर, मेरे रिहैब सेंटर में। और आप हैं, आप इसको यहाँ लेकर आ गए। अच्छा एक काम कीजिए, आप इसे छोड़ दीजिए। नहीं तो आप क्या कर लेंगी? वरना क्या करूँगी मैं? यू नो व्हाट, आई विल गो टू ह्यूमन राइट सेंटर, ओके? और ये जो तुम्हारी वर्दी है ना, एक सेकेंड में उतरवा दूंगी। वर्दी उतार देंगी? साली हमारी वर्दी नहीं हो गई, प्रोस्टिट्यूट की स्कर्ट हो गई। रुपया फेंका और वर्दी उतारा। सतालेन, अरे यो पुलिस थाना है कि कॉमेडी स्टेज का कोई शो चल रहा है इधर? हैं, कब से सुन रहा हूँ भग 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 भग। हैं सर, ये वर्दी उतारने की बात कर रही है, और वो भी हमारी। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसे इज्जतदार सिटीजन के साथ तुम ऐसा बर्ताव करोगे तो कैसे चलेगा? तुम्हें चोर उचक्कों के साथ डील कर करके ना तुम अपनी माँ बहनों की इज्जत करना भूल गए हो तुम। सतालेन सर, सर लेकिन मैं, किंतु परंतु मत करो जो मैं तुमको बोल रहा हूँ। सॉरी तो चलो बोलो सॉरी। सॉरी मैडम। वेरी गुड, अभी जो मैडम कह रही है वो करो। सर ये विक्टर जॉनसन को छोड़ने की बात कर रही है। अरे तो छोड़ देना, विक्टर जॉनसन कौन सा टेररिस्ट है। चलिए मैडम ले जाइए।
थैंक यू सो मच जी। कोई बात नहीं, थैंक यू बोलने की जरूरत ना है, अपने आदमी गलती है तो अपने आदमी को तो बोल देना, गलती कर ली है ना। और मैडम सुनिए, अगर कुछ और जरूरत पड़ेगी हमारी तो यहाँ आने में संकोच ना कीजिएगा। हाँ जी, थैंक यू, फिर से थैंक यू। अरे सर, विक्टर जॉनसन से हमें बहुत सारे क्लूज मिल सकते थे, आप ऐसे छोड़ दिया ना सताले, छोड़ दिया ना, तू भूल जा रही। डैड सॉलिड खुश होंगे। क्यों? जब मैं उनको तुम्हारे और मेरे बारे में बताऊंगा। मतलब? पता है जेसिका, मुझे दो से ज्यादा नहीं चाहिए। क्या? हमारे बच्चे और क्या? मतलब तुम अपनी और मेरी शादी की बात कर रहे हो, राइट? अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, तुम भी तड़पा करो, मैं भी तड़पा करूं। वैसे अब मैं सुर में गाने लगाऊं? मॉम डैड से कब मिला रही? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह माय गॉड, दिस इज फॉर यू। मुझे तो याद ही नहीं था कि आज मेरा बर्थडे है। या तुम्हें कैसे पता चला? मुझे याद था। यू नो व्हाट, I can never forget your birthday. मुझे हमेशा याद रहता है। Thank you very much. Yes. Hello. कैसा है भाई तू? वहाँ कोई है? मेरा फ्रेंड है कानपुर से। Okay. कौन है? हाँ, और बता। मुझे नहीं मालूम था कि तुझे मेरा बर्थडे याद है। Oh my God! आज तुम्हारा बर्थडे है। या एक 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 सेकंड, कनिष्का एक चाय मिलेगी क्या? चाय? एक सेकंड। गिफ्ट विफ्ट मिलेगा कि नहीं? अब कुछ बचा है देने के लिए? गिफ्ट तो मैं ले लूंगा, बचा क्या है? चाय। और सिपी, डैड कैसे? हेलो हेलो हेलो, जल्दी आओ, आई विल वेट फॉर यू। ओके बाय। किस मी। बाय। किस मी। ओके। I'll wait for you. Bye. You are so sweet. Happy birthday. You are beautiful. वैसे मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? अब कुछ बचा है देने के लिए? है ना? वैसे मुझे तुमसे कुछ कहना है। आज आज मैं कहूंगा और तुम सुनोगी। Sexy Danny, Danny DeGama, fucking sexy fuck. Nigel! Kya hua sir? You think you're very smart? No, sir. अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता तुम। तो fucking गरीब लोग का यही प्रॉब्लम है। क्या हुआ? उंगली देता तो अंदर ही घुस जाता है। Bloody asshole! What happened? What happened? Sir, मैंने किया क्या है? Shut up! Sir! Oh my God! Oh साला तुम Danny DeGama पे हाथ उठ। Oh my God! Danny DeGama पे हाथ उठाया। अब तू ऊपर जाकर जवाब मांगना भगवान से। Leave me, you fucking male bitch! Danny DeGama, okay. मेरा निशाना नहीं चूकेगा। oh yeah, oh yeah. बचपन में इस बंदूक से बहुत खेले। uh-huh. एक हाथ में बंदूक तो दूसरे हाथ में गिल्ली डंडा। okay. पहले होता तो ठोक देते। okay. 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 Okay.
अंकल, सुबह से फोन ट्राई कर रहा हूं, उठा ही नहीं रहा है। मुझे लगता है अब भी नाराज है वो मुझसे। चंद्रप्रकाश, तू अपने फोन से ट्राई करना। हाँ, शायद तेरा नंबर देख के उठा ले। एक बार और ट्राई करना। हाँ, अंकल अभी भी फोन नहीं उठा रहा है, शायद ऑफिस के काम में बिजी हो। चंद्रप्रकाश, आज मुझे निखिल की पहली बार चिंता हो रही है। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है तुम, फकीर गरीब लोग का यही प्रॉब्लम है। क्या हुआ? उंगली देता तो अंदर ही घुस जाता है लड़की। एसोल सर, आपका बिल। एक्सक्यूज मी, आपका फोन बज रहा है। सो व्हाट? आपके घर से होगा। सो व्हाट? मेरे घर से कॉल है। सो व्हाट? इधर पता है जब लाइफ में लगी होती है ना तो दुनिया में कोई भी किधर से भी तीर चलाता है ना साला सीधे आके पिछवाड़े पे लगता है। अबे उधर नहीं, इधर, ये पिछवाड़े पे। अभी तू जा सर आज। अबे आज सर आपका बिल। देख नहीं रहे हो अभी मैं पी रहा हूं? हाँ, बार बंद हो गया सर। बार बंद हो गया जी। ओके ओके, तुम्हारा बार बंद हो गया तो क्या गोवा के सारे बार बंद हुए ना? ये ले 5,000। थैंक यू सर। कोई बात नहीं, आई विल ड्रिंक समवेयर एल्स। आई विल ड्रिंक समवेयर एल्स। ओके ओके सर। गो टू हेल, एवरीबॉडी गो टू हेल। आई डोंट केयर, I don't care. शुक्र है भाई, हम लोग रात भर गोवा में ढूंढते रहे और इधर देखो, इधर सोता हुआ पड़ा हुआ है। अबे उठ, है उठ जा। सर जिंदा है? जिंदा है। अबे उठ, चल खड़ा हो जा, बहुत चलिया। क्या बात है इंस्पेक्टर, आप सब लोग यहाँ? गुस्से पर पाए ने तुमने काबू? हाँ, तुमने कर दिया खून उसका, डैनी डगामा का। जब कोई सपना भयानक मंजर की आहट से खुल जाए तो एकाएक कुछ समझ में नहीं आता, और जब लोगों की उंगलियां तुम पर चारों तरफ से उठ रही हो तो एक पल के लिए खुद पर से भी भरोसा उठ जाता है। गया लंबा, गया अंदर। डैनी डिगामा का खून किया है तूने? मैंने किसी का खून नहीं किया। किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा, सब साले यही बोलते हैं।
मैंने देखा है तुझे उस दिन वहां पे। दो नाव पे पैर रखने वाला डूबता है। कहां से आया डूबने के लिए? कहां से हो? कानपुर से। कानपुर, बाप का नाम? अरे देख क्या रहा है, सोच रहा है कि पता नहीं, लगता साला हराम है। मार मार साले। वेरी गुड। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। उतार साले। पुलिस पे हाथ उठाता है, पुलिस पे हाथ उठाता है। पुलिस पे हाथ उठाने का अंजाम तुझे अभी पता चलेगा बेटे। पिछड़ो चोट, चल भाग भाग भाग, चल। साले अपने आदमियों को बोल के भागे। अरे बोल, मुझे मारेगा? अबे हम कनपुरी हैं, समझा? देख ये तो गलत कर रहा है। चल हाथ कर लो। बहुत पछताएगा तू। मेरा नाम निखिल डाबर, बाप का नाम रघुवीर डाबर, समझा? अबे मुझे छोड़ के कहां चले गए तुम लोग? जेसिका, मैं उनका मेड बोलता है। मैडम से बात करो। नहीं अभी मैं आपका बात मैडम से नहीं करा सकता है। इट्स वेरी अर्जेंट, बात कराओ मेरी। नहीं अभी वो आपसे बात नहीं कर सकता है, कल रात को डैनी साहब का खून हो गया है। डैनी साहब? हाँ, मैडम का हस्बैंड मिस्टर डैनी डिगामा। What? मुझे फंसाया गया यार। कनिष्का मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अच्छा तो मुझे ये बताओ इस वक्त हो कहाँ? I don't know but somewhere in Agoda Fort। Oh, oh, oh.
पिया क्यों छला मेरा मन ये बता दो पिया क्यों छला मेरा मन कुछ भी भाए नहीं है ये कैसी लगन घुल गया है जन्म यूं तेरी चाह में बस भंवर ही भंवर है मेरी राह में धीमे धीमे ढली हर खुशी आह में हर खुशी आह में अब करे क्या जतन मेरा मन कुछ भी भाए नहीं है ये कैसी लगन ये बता दो पिया क्यों छला मेरी समझ में नहीं आता कि वो लड़का आपकी गिरफ्त से भाग कैसे गया सर फोगाट आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं होता तो मैं आपको सस्पेंड कर देता सर आपको पता नहीं कितना प्रेशर है हमारे ऊपर सर हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं सर और हमको यकीन है सर कि वो हमारी गिरफ्त में बहुत जल्द आ जाएगा पर सर हम जानते हैं कि वो बुरा नहीं है वो ऐसे ही जोश जोश में खून कर बैठा है वो फोगाट हम पुलिस वाले हमारे लिए फर्ज जज्बात से बढ़कर होता है सर वैसे भी उसने डैनी डिगामा को मारा है और डिगामा कोई मामूली आदमी नहीं था अंडरस्टैंड मुझे कुछ नहीं पता साहब आई स्वेयर साहब अबे तेरे बोर्ड पे रात भर वो दोनों जो है छैयां छैयां कर रहे थे और तू कह रहा है तुझे कुछ ना पता हां मैंने उस लड़के को नहीं देखा साहब देख सुन बेटा जाकी चैन तो ना है अच्छा जब तूने मेरी बात ना मानी तो तुझे जय किशन बनाने हमको टाइम नहीं लगेगा समझ रहा है आई स्वेयर साहब मुझे कुछ नहीं पता साहब ले जा भाई इसको ले जा ले जा इसको रख अंदर अंदर रख ले जा इसे और 10 लाठी मारो मेरी तरफ से सर निखिल के बारे में पता चला है कि कानपुर में उसका बाप है मोबाइल नंबर दे अरे लैंडलाइन नंबर तो दो सर वो यो अपनी पुलिस जो बता रहा है कि उसका बाप है वरना हम तो दिमाग से मंगारते रहते कि ये लौंडा बिना बाप के पैदा कैसे हो गया सर आप चिंता मत करिए मैं कानपुर पुलिस स्टेशन जाके उसकी हाँ हाँ तू पर्सनली जा कानपुर और उसके बाप के खैरियत खसलत पूछा खुद पर्सनली जी अरे कब तक असिस्टेंट बना रहेगा मेरा अपना दिमाग कब चलाएगा तू जाके लौंडे का पता करना वो डिगामा इंडस्ट्रीज में ऑफिस में जा उसके हाँ तो सर डिगामा इंडस्ट्रीज जाके हम उसकी इंक्वायरी निकाल लेंगे कल तू मत जा कहीं तेरे चक्कर में मेरा स्टार वर्दी सब उतर जाएगा मैंने सिद्ध को भेज दिया है और वो आता ही होगा आता क्या आ गया सर निखिल डावर का कानपुर का एड्रेस मिल गया वेरी गुड और उसके बाप का फोन नंबर भी मिला सर वेरी गुड ये देखिए सर निखिल डाबर फोन लगा वॉकी टॉकी पे नहीं मोबाइल पे हाँ अदरक की खुशबू गांव की याद दिलाती है
सुन के बहुत दुख हुआ, है ना? हमारी सारी हमदर्दी आपके साथ भरपूर है। आपको कोई या किसी पे भी कोई शक नहीं? उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन हमें तो है। अच्छा खासा नाम है उसका, निखिल डाबर नाम है उसका। हमको तो ये भी पता चला है कि वो आपकी कंपनी में काम भी करता था। जिस दिन डैनी डिगामा का खून हुआ उस दिन उसकी उनसे हाथापाई भी हुई थी ना, और गुस्से में आके वो उनको मारने की धमकी भी दे रहा था। क्या है ना मैडम, क्या है ना, इस केस की छानबीन मैं ही कर रहा हूं ना। हाँ, सुनने में तो ये भी आया है कि निखिल डाबर अपने किसी गर्लफ्रेंड के यहाँ रहता था, है ना? पता चला हमें। तो बता दिया, तो चलो कोई बात नहीं, उनसे ही पूछना पड़ेगा सब। चलो चलते हैं मैडम जी। नमस्ते जी। अच्छा फंसाया, यही चाहती थी ना तुम, मिसेस डिगामा? मैंने कहा था तुम्हें डैनी का खून करने के लिए। डैनी का खून मैंने नहीं, तुमने किया है।
ये सच है कि मैं डैनी से नफरत करती थी, लेकिन मैंने डैनी का खून नहीं किया। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी शातिर हो तो बहुत पहले तुम्हारा गला दबा देता। तुम मुझे मारना चाहते हो? फाइन, किल मी, कम ऑन, किल मी, किल मी। जान लेना तुम्हारी जैसी औरतों के लिए आसान होगा, मेरे लिए नहीं। कैसी औरत जो दिन रात शराब के नशे में रहती है, जो एक अनजान आदमी को नशे की हालत में अपना जिस्म सौंप देती है। I was slut, right? अगर तुम इतनी शरीफ थी तो पहले क्यों नहीं बताया कि तुम डैनी की वाइफ हो? अगर नाम के पहले मिसेज लगा देने से कोई शादीशुदा हो जाता है तो हाँ, मैं शादीशुदा थी। मैंने तुम्हें बर्थडे के दिन बताने की कोशिश की थी पर तुमने मुझे रोक दिया। तो फिर तुम यहां क्या कर रही हो? You're my wife, Mrs. Danny Degama. You are Mrs. Danny Degama, my wife. You are not a bitch. Hey, मेरे नौकर के साथ सो गई आप? You slept with my servant? Shut up. You bloody just liar. Shut up. Just shut up. Get out. Just shut up. You are not always right. I am not your fucking slave. Your fucking bastard. इसका मतलब डैनी ने उस दिन हमारा MMS देखा था, लेकिन ये MMS बनाने वाला कौन है? एक मिनट, जहां तक मुझे याद है डैनी की कीप भी थी। कीप? तो जेनिफर है, तुम इसे जानते हो? हाथों की बाहों में कस तो लो जरा, एक कश तो लो जरा, सिगरेट की तरह पकड़ो इसका
यहीं कहीं होनी चाहिए। शिट, निखिल वहां पर। निखिल, निखिल, वो नहीं जेनी। जेनी, 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 तुमसे बात करनी है मुझे। बोलो। जेनी, तुम डैनी को कैसे जानती हो? अक्सर तुम्हारे घर पे आता था, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम भी डैनी की कीप हो? टेल मी समथिंग। जेनी, प्लीज से समथिंग। क्या रिलेशन है इसमें? जेनी, जेनी, बोलो, जवाब दो। जेनी, प्लीज कुछ तो बोलो। वो? जेनी, 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 निकल, टॉक टू मी जेनी। She's okay? Jenny? Jenny? Oh no. तुम जरा चुप ही रहना। सर, पूरे गोवा के न्यूज़पेपर्स पुलिस डिपार्टमेंट का मजाक उड़ा रहे हैं। मिनिस्ट्री, एनजीओस, आम पब्लिक, क्या जवाब दूंगा मैं जनता को? इस बारे में कभी सोचा है आपने? बैठिए। सर, ये प्रेस वाले तो उछालते रहते हैं कुछ भी। जल्दी से जल्दी उसके सारे इंफॉर्मेशन निकालिए। सर, उस लड़के का ना तो घर वालों का पता है, ना कोई फैमिली मेंबर्स का, तो यू नो। सर, कहां से निकालेंगे इंफॉर्मेशन? सर, सर, एक लड़की है जो उसके बारे में बता सकती है। कौन? कनिष्का। ड्रग एडिक्ट्स के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर चलाती है सर। छी 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 सर, वो कुछ भी नहीं जानती है। बहुत अच्छी लड़की है बेचारी। सर, लेकिन है तो निखिल की गर्लफ्रेंड ही ना। सिर्फ फ्रेंड। सर, एक ही घर में चार चार रात गुजारने के बाद गर्ल और फ्रेंड एक ही हो जाते हैं। फुगाट, उसे बुला के इन्वेस्टिगेट करो। दिस इज माय ऑर्डर। यस सर। देखिए मैडम, जब तक उस कातिल का पता नहीं चल जाता, तब तक हमें उसके आसपास वालों से पूछताछ तो करनी पड़ेगी ना। पूछताछ कीजिए, लेकिन आप तो हैरेस कर रहे हैं। अच्छा, दो चार सवाल पूछने को आप हैरेस कहती हैं? हैं? उस कातिल को गोवा आपने बुलाया, उसे जॉब दिलाई, उसे अपने घर पे रखा। हाँ, मैंने उसे अपने घर में रखा, लेकिन मैंने उसे ये नहीं कहा कि जाके डैनी का खून करे। एग्जैक्टली। इसका मतलब आपको लगता है ना कि डैनी साहब का खून उसी ने किया? तब तो आप ये भी जानती होंगी कि डैनी का खून उसने क्यों किया। चलिए बताइए मैडम, कानून से कुछ छुपाना गैर कानूनी होता है। बताइए कहाँ है वो कनपुरिया? जल्दी बताओ, वरना सच उगलवाना हमें भी आता है। सतालेन, देखिए मैडम, अगर आपको कुछ पता हो ना तो बता दो, वरना मैं इस वक्त आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। देखिए, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी आंखों में आंखें डाल के कहिए कि आप कैसे जानती हैं। देखो, मैं सच बोल रही हूँ, मैं अपने मरे माँ बाप की कसम खा के कहती हूँ कि बस। सतालेन, सर, लेडीज को जाने दे ना। मैडम, आप जाइए। थैंक यू। आप आराम से अपने घर जाइए। अरे बैठो, झाड़ियों में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होगा। अगर शाम को पकड़ना है ना तो सीधे उसके बिल में हाथ डालना पड़ेगा। कानपुर का कोड नंबर क्या है? रुक जा, मेरे पास है, तू टेंशन मत ले। डॉक्टर, जिसका बेटा खून के इल्जाम में फंसा हो, जो सिपाही कल तक मेरे दरवाजे के बाहर पहरा देते थे, आज वही मेरे बेटे को पकड़ने का इंतजार कर रहे हैं। आप हिम्मत रखिए, मायूस मत होइए। हेलो, कौन? जी, मैं कनिष्का। कनिष्का, निखिल का कुछ पता चला?
नहीं सीपी, कुछ नहीं पता चला। इनफैक्ट पुलिस भी ढूंढ रही है। चंद्रप्रकाश, मुझे बात करने दो। करिश्का बेटा, मैं तुमसे हमेशा बात करना चाहता था, लेकिन आज शब्द कम पड़ रहे हैं। बेटा, निखिल कहीं पे भी मिल जाए तो उसे कहना मिस्टर डाबर उसे बहुत प्यार करते हैं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, वो मेरे दिल का टुकड़ा था, है और रहेगा। क्लू ढूंढना मेरा काम नहीं है मिस्टर विर्क। हम जनता के प्रतिनिधि हैं एंड यू आर अ पब्लिक सर्वेंट। ओके, पहले उस डैनी डिगामा का खून और अब एक फॉरेनर लड़की की हत्या। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? डू यू नो मिस्टर विर्क कि गोवा की इकोनॉमी में टूरिज्म का कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है और पीक सीजन में एक के बाद एक हत्या हो रही है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? सर, जैन सर, हम उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अरे क्या कोशिश कर रहे हैं आप लोग? मुझे कोशिश में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी है तो सिर्फ उसके रिजल्ट में। और एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ भी कीजिए, कैसे भी करिए, किसी बेगुनाह की हत्या नहीं होनी चाहिए। यू अंडरस्टैंड? यस सर। डू योर जॉब। मिनिस्टर साहब का फोन था। सर, हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं, क्या है कि उसका लक चल रहा ना, तो वरना हमारा से कोई निकल के जाएगा क्या? आप उसे पकड़ने की कोशिश ही क्यों कर रहे हैं? Kill him. हजारों की भीड़ में भी पहचान लूंगा। उसने मेरे बॉस को मारा है, डैनी डिगामा को मारा है, वो जानता नहीं उसने किसको मारा है। पुलिस उसे जरूर पकड़ लेगी। कहां कहां नहीं ढूंढा साले को, गोवा का पूरा जंगल छान मारा, पता नहीं कहां छुप गया वो कानपुरिया। अरे लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा, वरना वो क्या तेरा फोगाट जो दिल्ली डेपुटेशन से आके हमारे सर पे बैठा है, उसको क्या जवाब देगा? खुद तो क्राइम रोक नहीं पाता, इधर करो धूप में ड्यूटी। छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली, अनारकली। कहाँ हो अरविंद भैया, कैसे हो? कौन हो तुम? पहचाना नहीं हमको? अरे देखो ठीक से, कोशिश करो पहचान लोगे ना। नहीं जानता मैं। चैनल में देख के तो बहुत बोल रहे थे। पीछे से देखा था मैंने। अबे बहुत सालत यार, पीछे से देख। अबे पीछे से देखा था तूने? मुझे देखा था? पीछे से देखा था मैंने। कौन है तेरे पीछे? बोल। वो साला ये भी गया। पकड़ो से।
हेलो हेलो सीपी, अरे कहाँ है तू? सीपी डैड से बात कराओ। तू डैड के लिए हमेशा परेशान रहता था ना, कि वो बहुत ज्यादा शराब पीते, अब वो नहीं रहे। कब? कल रात उन्होंने आखिरी सांस ली। कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा था, अभी हम लोग उनका अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं। आखिरी सांस तक वो तुझे याद कर रहे थे, आखिरी सांस तक। जिंदगी तू मुझे लेके आई कहाँ, हर घड़ी हर जगह यादों का है धुआं, मेरी सांसों पे है तेरी परछाइयां, तेरी परछाइयां लेके आई कहाँ, अब करें क्या जतन मेरा मन, मेरा मन कुछ भी भाए नहीं है, ये कैसी लगन। ये लो, गोवा अब सेफ नहीं है तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हारे लिए नकली पासपोर्ट और टिकट का इंतजाम कर दिया है, जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ। रह पाओगी मेरे बिना? अब मेरे सामने दो रास्ते थे, एक जो जेसिका ने मुझे बताया था और दूसरा कि मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करूं। मेरे लिए दोनों ही रास्ते मुश्किल थे। तुम तो जानती हो कि मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं जानती हूँ, कोर्ट ये गवाही नहीं मानने वाली, समझे? कोर्ट को चाहिए सबूत जो हमारे पास है नहीं। जिस पिस्टल से जेनी का खून हुआ है उसी पिस्टल से डैनी का खून हुआ था, अंडरस्टैंड वन थिंग। हेलो हेलो जेसिका, हेलो इंस्पेक्टर राजेश। अरे कानपुरिया तू, मेरी छोड़ो, अगर आपको कातिल को पकड़ना है ना तो वालपाई की बिग फैक्ट्री में आ जाओ। हेलो
राजेश फोगाट, तू तो वक्त से पहले ही आ गया। तू तो बड़ी चैटिंग करता है मेरी। दरोगा जी, हम तो मोहब्बत में मारे जाते हैं, वरना बड़े बड़े शेर 5 मिनट में गीदड़ बन जाते हैं। पता नहीं तो क्या कर रहा, समझ में नहीं आ रहा मुझे। समझ में तो मुझे भी नहीं आया, हरियाणवी बोलने वाला पुलिस ऑफिसर गोवा में, नौकरी कैसे लगी? हर एग्जाम पास किया, ट्रेनिंग की, नौकरी लग गई। लगी या लगवाई? सुना है डैनी का बहुत खास था तू। फालतू की बात करेगा ना, तो एक सेकंड में खोपड़ी उड़ा दूं तेरी। छोटे साइड के साला ऑर्डर भी तेरे पे, समझा क्या? अबे एक बात बता, तूने मुझे क्यों फंसाया? क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? मुझे क्यों फंसाया? बोल, मुझे क्यों फंसाया तूने? मुझे माफ कर देना निखिल, मुझे पता नहीं था तुम्हारे साथ इतना बुरा होगा। कनिष्का, जो मेरे साथ हुआ है ना, उससे बुरा क्या होगा? बुरा तो मेरे साथ हुआ है निखिल, तुमने तो मुझे सिर्फ 13 साल तक देखा है, उसके बाद मैं और मेरे माँ बाप कानपुर छोड़कर गोवा शिफ्ट हो गए। मेरे डैड ने इतने मेहनत से अपना बिजनेस खड़ा किया, लेकिन उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया। उन्हीं के पार्टनर ने मेरे मॉम एंड डैड का एक्सीडेंट करा दिया। उस एक्सीडेंट में मेरी जान तो बच गई, पर मॉम डैड चले गए। तुम जानते हो मेरे डैड का बिजनेस पार्टनर कौन था? उसने मेरी सारी प्रॉपर्टी तो हड़पी हड़पी, उसकी गंदी नजर मेरे जिस्म पर भी थी। जब मैंने उसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की, मुझे धमकी दी, बोलता था तुम्हारे सारे वीडियोस इंटरनेट पर डाल दूंगा। कमीना, उसने जब चाह उसने मेरा इस्तेमाल किया, मुझे अपनी कीप बना के रखा। यानी कि कीप जेनिफर नहीं, तुम थी? हाँ, मैं थी। पर इन सब में जेनिफर का क्या कनेक्शन था? डैनी बहुत चालाक था, उसने मुझे कभी अपने घर नहीं रखा,
हमेशा मुझे एक अलग घर दे रखा था जहां पर तुम मेरे साथ रहते थे। जब जब मुझसे वो मिलना चाहता था हमेशा मुझे या तो फार्म हाउस बुलाता था या फिर उस जेनिफर के घर। इसीलिए तुम लोगों ने इससे पहले कि जेनिफर अपना मुंह खोले उसको हमेशा के लिए खामोश कर दिया। बाय। What are you doing here? क्या हो क्या रहा है? तुम कब से हो गए ये सब? तुम बोलो ना एक बार, इसको टपका देते हैं, इसके बीवी को रास्ते से हटा देते हैं, सारा माल हथिया लेते हैं, मजे से रूम। तुम इतना आसान नहीं जितना तुम सोच रहे हो। तुम्हें पता है वो कितना बड़ा इंसान है? अरे पुलिस में काम करता हूँ मैं, तुम कुछ अदा करने की जरूरत नहीं है। अरे किसी ना किसी को फंसा केस में डाल देंगे और क्या। तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो? दुनिया में ना दो किस्म के चूतिया होते हैं, पहले वाले जो दिमाग से चूतिए होते हैं और दूसरे जो दिल से चूतिए होते हैं। मेरा कैटेगरी दूसरे वालों में आता है। फिर मेरी मुलाकात तुमसे हुई फेसबुक पर। तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैंने डैनी को कांटेक्ट किया और उसने तुम्हें जॉब ऑफर कर दिया। देख, अरे देख देख, प्यार करती ना तुझसे? देख, अरे हम सालों से लगे हैं तुम्हारे प्यार के चक्कर में और इस लौंडे के चक्कर में, इस लौंडे के चक्कर में। छी छी छी, अरे कैसे पसंद आते हैं तेरे को ऐसे लड़के जो दो दो लड़के घुमाते हैं, दो दो लड़कियां। डैनी को टपका देते हैं और इसको लपेटे में ले लेते हैं। बहुत स्ट्रांग आइडिया है। इसके पास डैनी को मारने का मोटिव भी है। बोलना क्या करना है। कभी कभी बदले की आग इतनी बढ़ जाती है कि कई रिश्ते उस आग में जल जाते हैं। कनिष्का, तुम्हारी जिंदगी में इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैं जिंदगी में किसी के काम नहीं आ सका, यहां तक कि अपने बाप के भी नहीं। शायद कनिष्का ने जो किया वो ठीक किया, लेकिन जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। कनिष्का, इसे ही ढूंढ रहे थे ना तुम? मुझे मालूम था, डैनी की गन में ट्रैकर लगा हुआ था। कातिल ने भी इसी की मदद से गन को आसानी से ढूंढ लिया और मैंने भी इस ट्रैकर की मदद से इसे अपने कब्जे में कर लिया। इसका मतलब राजेश फोगाट डैनी के बहुत करीब था। इस ट्रैकर के बारे में भी उसे मालूम था। डैनी को हर चीज रिकॉर्ड करने का बहुत ही शौक था और डैनी का खून पीछे के आउटहाउस में हुआ था। आई एम श्योर उसका वीडियो भी यहीं कहीं होगा। लेट्स फाइंड आउट। अब मुझे पता तो था कि कातिल कौन है, लेकिन दुनिया के सामने अपनी बेगुनाही साबित करना अब भी बाकी। मुझे सबूत की जरूरत है। कुछ तो होगा यार, कहीं तो होगा। कहाँ जा रहे हो? दूसरे कमरों में ढूंढने। मैंने सब जगह ढूंढ लिया, कहीं कुछ भी नहीं है। हाँ।
तो यही है डैनी का सीक्रेट। यहां हमें जरूर कुछ मिल जाए। इस कंप्यूटर में देखते हैं। पासवर्ड क्या हो सकता है? आई थिंक डैनी ज्यादातर स्वीटी पाई बोलता था। वी शुड ट्राई स्वीटी पाई। हाँ, मैंने भी ऑफिस में कई बार उसको स्वीटी पाई कहते हुए सुना है। लेट्स ट्राई। अब पता चला मैं सिगरेट क्यों पीती थी। ये MMS कैसा लगा आपको? ये देखो बड़ा भेजे थे। मार उस कुत्ते को, मार डाल जाके। गो एंड किल दैट बास्टर्ड। अब उसको मारने की क्या जरूरत है? उसको फांसी पे चढ़ा देते ना। मतलब आपके मर्डर के इल्जाम में। तुम ये रुको, मैं देखता हूं। बाहर बाहर राजेश फोगाट खड़ा हुआ है। अंदर आओ जल्दी। कुछ तो होना चाहिए यहां पर। सीडी या कुछ और। हाँ, ये पेन ड्राइव है यहां पर। मैं इस पेन ड्राइव में सारे सबूत कॉपी करके दे रहा हूं तुम्हें। तुम इसे पुलिस के पास लेके जाओ। तब तक मैं फोगाट को संभालता हूं। नीचे नीचे झटका देता है। ये ले। सुन। दो चीजें इंसान को सब कुछ करवाती है, इश्क और नफरत। मुझे कनिष्का से इश्क था, लेकिन तू साले हरामजादे मेरे रास्ते का रोड़ा बना। उसके साथ शिप पे साले छैया कर रहा था तू। और नफरत मुझे डैनी डिगा में सता। साले उसके लिए क्या नहीं किया मैंने, दिन रात क्या नहीं किया उसके लिए। साले एक ट्रक क्या पकड़ा दिया उसकी, वो भी सरकारी रिकॉर्ड के लिए। थप्पड़ मारा उसने मुझे। नफरत थी मुझे उस डैनी डिगामा से। मैं तुमको दिल्ली से इसलिए यहां पर नहीं बुलाया कि तुम जो थाली में खाया उसी में होल करेगा। मेरा लॉरी पकड़ा, मेरा आदमी को मारा तुम। You bloody scoundrel!
यूरो कितना पैसा था उसमें? हजारों ट्रक छुड़वा दिया है मैंने, एक ट्रक पकड़ा दी तो क्या हो गया? तुम्हारे बाप का माल नहीं था वो? तुमको मालूम कितना पैसे का वो ट्रक था? इसलिए तू जरिया बना मेरा। जेसिका के सामने तुझे विलन बनाने की मैंने बड़ी कोशिश की यार, लेकिन साला कुछ काम नहीं आया। हाँ, और तेरा वो बाप ना, तेरा बाप बड़ा बोझिल था साला। एक कॉल में सुभान अल्लाह। लोग हकते हुए आगे जाते हैं और तू पीछे गया। लिपो दियारा साहब, सुलगती है तो सुलगने दे, फेंक दे बट आज अगर डैड होते तो बहुत खुश होते। भूल गए उन्होंने सीपी से क्या कहा था? कि वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, डैड आज भी मेरे साथ है। कनिष्का, हाँ? देखो इसे, ये कौन है? ये तुम हो? हाँ, ये तुम हो। जब हम स्कूल में थे, जब तुमने डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया था और तुम फर्स्ट आई थी। हाँ? याद आया? ये देखो। और ये? ये, ये ये कौन है? भैया बाट भैया, यार का बुखार उतर गया, सब
a show, it's my last call, it's my first call. Like a little child screaming out to mama, ever put me on you, God. Please, I wanna rewind, get back to the start. Nahi kisi se baat, phir bhi nahi hai khair. Jaan pe jaan pe jaan pe jaan pe ban aayi hai. We'll be right back.